हेलो एवरीवन। तो अभी आप देख ही रहे हो कि देश में जिस टाइप की सिचुएशन चल रही है और देश में जिस टाइप की चीज़ें हो रही है वो किसी को भी मतलब ये फील करवा दे रही है कि चीज़ें बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा नहीं रही। अभी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के ऊपर मैं वीडियो भी बनाया था जो अभी हुआ केस, तो आप देख सकते हो कि डे बाय डे बदतर होते जा रहा है, हमारा सोसाइटी का जो फॉर्म है वो डे बाय डे बदतर होते जा रहा है। 2012 में निर्भया का केस हुआ था, उसके बाद 2018 में आसिफा का केस हुआ था और अभी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का। तो डे बाय डे ये हमारे सोसाइटी में बढ़ते जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा मेरा वीडियो सुने ध्यान से, जिन बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड चीज़ है कि आप मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुने कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद अपने कमेंट्स कर सकते हो आप बिल्कुल। तो मेरा ये जो पॉइंट्स है कि अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है डे बाय डे, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है। तो लिखा हूँ मैं, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं लिखा हूँ। क्या आपको लगता है कि ड्रेसिंग स्टाइल इन चीज़ों का रीज़न हो सकता है? तो फिर मैं आपको बता दूं कि ड्रेसिंग स्टाइल इस चीज़ का रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ड्रेसिंग स्टाइल इस चीज़ का रीज़न होता तो फिर सब मतलब यंग एज के लोगों का ही रेप होता, बच्चियों का रेप नहीं होता है। अगर मैं आपको एक जो नेशनल जो ब्यूरो क्राइम का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल लगभग 40,000 लोगों का रेप होता है, उसमें से 40% माइनर होते हैं, मतलब बच्चियाँ लोग होती है 40%। एवरेज अगर माना जाए तो एक दिन में 100 के आसपास, 105, 107, 108 के आसपास, 100 मान लेते हैं एवरेज, इतना रेप होता है एक दिन के अंदर में। तो आप सोचो कि हर दिन 100 के आसपास लोगों का रेप हो रहा है, और ये वो डेटा है जो कि रजिस्टर्ड डेटा है, अनरजिस्टर्ड डेटा के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। और ये सिर्फ जो डेटा है ये सिर्फ वुमेन के ऊपर कुछ हो रहा उसके ऊपर नहीं, सिर्फ रेप का डेटा है कि जो उनके साथ इतना घिनौना काम जो हो रहा है रेप के ऊपर डेटा। तो ये समझने वाली बात है कि मैं इसलिए लिखा, पूरे पॉइंट लिखा कि ड्रेसिंग स्टाइल पे बेस अगर होता तो फिर ऐसा क्यों होता, फिर 40% जो बच्चियों का जो रेप होता है वो तो नहीं होता है। कोई 4 साल 5 साल की बच्चियों में क्या ड्रेसिंग स्टाइल होगा और क्या क्या इस टाइप के भड़काऊ कपड़े कोई पहनेगा, मतलब ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये रीज़न देना भी गलत है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया में लोग लिखते हैं कि लोग अगर अपना पहनावा सुधारेंगे तो चीज़ें ठीक होगी, तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये रीज़न है, क्योंकि वो चॉइस हो, सबका अपना चॉइस होता है कि किसको क्या पहनना है, वो सबका अपना चॉइस होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर उस चॉइस के अंदर में अगर हम दूसरी चीज़ों को इन्वॉल्व करें तो इज़ नॉट गुड, कि ये जो चॉइस है इसमें ये नहीं हो सकता है कि लोग जो मेंटली वीक है, जो भी इस टाइप की चीज़ें करते हैं, जो इस टाइप के अंजाम वारदात को अंजाम देते हैं, ये बिल्कुल भी इस बात पे बेस नहीं है। फिर अगर मैं बोलूँ कि और क्या चीज़ें लगता है आपको कि क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होगी, तो मेरे को लगता है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। यस, मेरे को लगता है हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है हम लोग, क्योंकि हम लोग ये चीज़ों को नहीं समझते कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। तो मेरे को लगता है हम लोग रिस्पॉन्सिबल तो है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना एक दिन बात करते, दो दिन बात करते। अभी सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था पाकिस्तान पे तो सब लोग जय हिंद करके पूरा फेसबुक भर गया था, लेकिन जब इस टाइप की चीज़ें होती तो इतने सारे लोग बाहर नहीं आते, इतने सारे लोग अपना पॉइंट नहीं रखते, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे साथ तो नहीं हुआ। तो प्राउड वाली फीलिंग में तो लोग बहुत बहुत अपना देशभक्ति दिखाते हैं, लेकिन इस टाइप की चीज़ों में उतना अपना पॉइंट नहीं रखते, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर से बैठ के सिर्फ तमाशा देखते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक पूरे लोग नहीं आएंगे, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो कई लोग तो इस पर भी बहुत सारी बात रखेंगे, सर आप टीचर वो आप क्यों बना रहे हैं, आपको क्या करना। तो मैं बोल रहा हूं अगर हर फील्ड के व्यक्ति अगर यही सोचेंगे कि हमको क्या करना और हम अपना काम करते रहेंगे तो एक दिन हमारे घर तक पहुंच जाएगी चीजें, फिर चीज़ें कैसे होगी? एक दिन हमारे घर तक ये सब चीज़ें पहुंच जाएगी तो फिर समझ आएगा। तो एक्चुअली जिनके साथ होता है उनको समझ आता है कि कितना ख़राब हो रहा है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो डेली रूटीन में है, जिसकी लाइफ मस्त टाइप से चल रही है, उसको लगता है कि ठीक है कुछ लोग अपना एक्टिव है, कुछ लोग इस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी तो नॉर्मल लोग रहते हैं इस बारे में बहुत, बस उस ऐसे गॉसिप सामान पढ़ते हैं, कोई कमेंट्स करना है नहीं करना है, शेयर करना है नहीं करना है, या फेसबुक वॉल में कुछ लिखना है या अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। जब तक सब लोग आगे नहीं आएंगे चीज़ें चेंज नहीं होगी। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चीज़ें अपने आप चेंज होगी। तो हम रिस्पॉन्सिबल है, हम ऐसे वाले मुद्दों पे बहुत गंभीर नहीं है। निर्भया का जब केस हुआ था 2012 में तो वो चला, कुछ सब लोग बहुत सारे लोग एक्टिव पार्टिसिपेट किए कि ऐसा चेंज होना चाहिए, देश में चेंज होना चाहिए, आज तक चल रहा है। 2012 और 2019 हो गए, 7 ईयर से।
मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि जो क्राइम करते हैं उनको एक एडवोकेट असाइन कर दिया जाता है, उसके बाद अगर उनको फांसी की सज़ा हो भी गई तो वो फाइल एक बार प्रेसिडेंट के टेबल पे जाती है, 6 मंथ या 1 ईयर तक वो टेबल पे रखी रहती है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि प्रेसिडेंट 24 घंटे में साइन करके दे दे कि नहीं भाई ये कंसिडर नहीं होगा? क्यों प्रेसिडेंट लोग वेटिंग वाले में रखते रहते हैं? और ये वाला ऑप्शन ही क्यों रखा जाता है? जब हमको पता चल गया कि कोई क्राइम किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे शक हो वहाँ पे फांसी की सज़ा दे दो, जहाँ पे शक हो वहाँ पे ठीक है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट होगा, लेकिन जहाँ पे क्लियर कट हो वहाँ तो एक्शन तुरंत होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कई लोग बोले कि इसका लोग गलत फायदा उठा लेंगे, सर इस टाइप की अगर चीज़ें होगी तो मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे क्लियर है कि जो क्राइम किया है वहाँ पे तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। जहाँ पे सस्पेक्ट है, जहाँ पे है मतलब कि जहाँ पे हमको नहीं पता, क्लियर नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेट होने के बाद चीज़ें होगी। लेकिन मेरे को लगता है कि ये वाली चीज़ों में थोड़ा सा सिस्टम में चेंज होने की ज़रूरत है। मैं संसद में अभी देख रहा था कि सब लोग अपनी बात रख रहे थे, सब लोग हर पार्टी मिल जाती है, सब लोग मिलके बोलते नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, हमको चेंज करना है। तो कब चेंज होगा? अगर हमको पॉलिटिक्स में अगर कोई रूल चेंज करना है तो रातों रात चेंज हो जाता है। प्रेसिडेंट को आप रातों रात साइन करवा लेते हो, राज्यपाल को रातों रात बुलवा लेते हो, तब वो सुप्रीम कोर्ट रातों रात को कैसे काम कर लेता है? लेकिन जब इस टाइप की चीज़ें हो रही है तब क्यों नहीं चीज़ें चेंज हो सकती है? तब क्यों नहीं सब लोग मिलकर बोल सकते हैं कि चेंज हो सकता है? क्यों पार्लियामेंट में एक साथ बिल पास नहीं हो सकता? क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो मेरे को लगता है कि पॉलिटिक्स वाले लोग बोलते जरूर हैं लेकिन उनको खुद डर लगता है। मैक्सिमम कुछ पॉलिटिक्स लोग तो ऐसे लोग जो इन टाइप के केसेस में फंसे हुए, अब कुछ पॉलिटिक्स अगर खुद रेप के केस में फंसे तो उसको फांसी की सजा कैसे दे दे? नहीं, इसलिए मेरे को लगता है कि रूल ही नहीं बन रहे। तो जब तक सब लोग अपनी बात नहीं रखेंगे, सब लोग बाहर नहीं आएंगे, तब तक कैसे होगा? इसलिए मेरे को लगता है कि मैं भले चाहे टीचिंग वाले फील्ड में हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे को अपने पॉइंट्स रखना चाहिए। ऐसे सिटीजन मेरे को एक डेमोक्रेसी कंट्री में मेरे को अपनी बात रखना चाहिए। और अगर मेरे टाइप अगर कोई भी बात नहीं रखेगा धीरे धीरे तो चीज़ें अपने आप गलत होती रहेगी और धीरे 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 आपके घर तक पहुँच जाएगी। इसलिए कोई अगर इन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन रहता है, उसके बाद भी कुछ लोग मतलब इतना भी सेंस नहीं है कि क्या बोलना है क्या लिखना है, इसमें भी लोग कुछ लोग अपोज करते हैं, इसमें भी कुछ लोग डिसलाइक कर रहे होंगे, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक साल में 40,000 अगर केसेस होते हैं इंडिया में, रेप के केसेस होते हैं, तो आपको बता दूं मैं कि लगभग 10,000 लोगों को सिर्फ सज़ा मिलती है, 30,000 लोग बच जाते हैं, मतलब 25% लोगों को सज़ा मिलती है। तो सोचो 75% लोगों को सज़ा नहीं मिलती है। तो अब अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जहां पे 75% लोगों को सज़ा ही नहीं मिलती है तो लोग क्यों डरेंगे? तो कोई सिस्टम ही नहीं है। और मेरे को लगता है कि पुलिस जो पुलिस है वो भी अपना काम उतने अच्छे से नहीं करती है। पुलिस को जितना अच्छा काम करना चाहिए, जो जहाँ पे हुआ हैदराबाद में जो केस हुआ अभी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी वाला, तो मेरे को लगता है कि उस रास्ते पे कई बार लोग कंप्लेंट किए भी होंगे कि कोई छेड़ रहा है, कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो पुलिस भी कभी एक्शन नहीं लेती जब तक कि कुछ केस ना हो जाए। जब मीडिया में आ गया तब पुलिस वाले लोग एक्शन में आए, तब पता चला कि एक दिन 24 घंटे पहले वहाँ पे और कुछ भी हो चुका था। इसका मतलब ये कि लोग इतने नॉर्मली लेते हैं। पुलिस वाले लोग वो काम करते हैं जो कि एक पॉलिटिशियन को पसंद आए। पुलिस वाले अपनी जो ड्यूटी है, बहुत बार पॉलिटिशियन के अराउंड में घूमते रहते हैं, उनको हर एक चीज़ पता रहता है लेकिन उनको क्रिमिनल के बारे में नहीं आइडिया रहता है। तो मेरे को लगता है हमारा जो पुलिस सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा उसको पावर देने की ज़रूरत है कि वो अपना एक्शन ले सके। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग इस डर के कारण, ऊपर के दबाव के कारण किसी दूसरे को भी पकड़ लेते, किसी दूसरे से भी जबरदस्ती करवाते कि भाई आप ही बोल दो करके, ऐसा बहुत बार केसेस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल सिस्टम में चेंजेस की नीड है। अगर मैं बोलूं कि मीडिया बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, मीडिया इन चीज़ों को हाईलाइट क्यों नहीं करता, मीडिया इन चीज़ों पे प्रेशर क्यों नहीं डालता सरकार पे, गवर्नमेंट के हर एक पॉलिटिशियन को पकड़ के इस चीज़ पे क्यों क्वेश्चन नहीं करता है, और हर मीडिया क्यों नहीं करता है? गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना एक मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट से बार बार क्वेश्चन होना चाहिए कि 2012 से लेकर 2019 तक निर्भया का केस हुआ, फिर 2018 में आसिफा का केस हुआ, तो कब होगा, कब रूल चेंज होंगे, कब? जब तक कि किसी पॉलिटिशियन के घर में नहीं होगा तब तक, जब तक किसी पॉलिटिशियन के घर में नहीं होगा तब तक रूल चेंज नहीं होंगे। अगर अभी किसी पॉलिटिशियन के साथ ऐसा हो जाए तो सोचो कितने एक्शन में आ जाएंगे सब लोग, पूरी पुलिस फोर्स से लेकर क्राइम ब्रांच से लेकर सब लोग एक्शन में आ जाएंगे। इसका मतलब है जब तक पॉलिटिशियन के साथ गलत नहीं हो रहा तब तक सब सही है, उसके बिना तो नहीं होगा। तो मेरे को लगता है कि मीडिया अपना रोल प्ले नहीं कर रही, मीडिया बेकार की बात करती है, मीडिया ऐसे मुद्दों पर बात करती है जिसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मीडिया पे बात करती कि इमरान खान सो रहा है कि नहीं सो पा रहा है, इमरान खान हमसे डर रहा है कि नहीं डर रहा है, इमरान खान के ऊपर कितना कर्ज हो गया है, जैसे कि हमारा देश तो बहुत ग्रो कर रहा है, हमारे से तो लोग डर रहे हैं। तो मीडिया ना अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। मीडिया को समझ आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर हमको लगता है कि ये जो लोग अंजाम देते इस टाइप की चीज़ों को, इस टाइप के जो क्राइम कर रहे हैं,
तो अगर हमको लगता है कि वो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि जो स्मार्ट लोग रहते हैं वो भी क्राइम करते हैं। सिचुएशन ये आ गई कि जिसको भी क्राइम करने का मौका मिल रहा है वो क्राइम कर रहा है, ये समझने वाली बात है। इतने सारे लोग फैमिली में भी क्राइम करते हैं, जहाँ पे भी लोगों को मौका मिलता है फीमेल के साथ, बच्चियों के साथ लोग क्राइम करते हैं। जिसको बस एक बार लग जाता है ना कि ठीक है ये चीज़ें ना बाहर नहीं आएगी, तो क्राइम कर रहे, चाहे घर की बात हो बाहर की बात हो। बहुत सारे लोग आवाज़ नहीं उठाते, तो जो 40,000 जो केसेस है वो सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस है, बाकी लोग तो डर के मारे तो कुछ बोलते नहीं है। कई बार लोग रिलेशनशिप के कारण नहीं बोल पाते, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अवेयरनेस वाला जो प्रोग्राम है वो चलाना चाहिए, टीवी में दिखाना चाहिए, इस बारे में बात होना चाहिए। इतना सारा तो आप सिगरेट का चलाते हो, ड्रिंक वाला चलाते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए ना, जो कि इम्पॉर्टेंट है फीमेल और जो गर्ल्स लोग हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये प्रोग्राम चलाना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, एक तो हम भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाते। बहुत बार ऐसा केसेस होगा कि किसी को कोई छेड़ रहा है, और अगर कोई थोड़ा सा स्ट्रांग पर्सन छेड़ रहा है तो बाकी लोग उस रास्ते से निकल जाते गॉसिप करते हुए, कोई एक्शन नहीं लेते। तो बहुत बार होता है कि हम अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, मैक्सिमम लोग अपना जो फर्ज है वो नहीं करते, उनको लगता है कि हमारे साथ नहीं हो रहा। तो हम इंडियन लोग की मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है हमारे साथ जब तक नहीं होता है तब तक हम एक्शन में नहीं आते। तो मेरे को लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि मतलब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, जो क्राइम हो रहे हैं उनको बंद होना पड़ेगा। जब तक कि आप ना इस पर स्ट्रांग एक्शन नहीं लेंगे, जब तक लोगों को डर नहीं होगा, तब तक चीज़ें कैसे चेंज होगी? एक दिन बोलने से, दो दिन बोलने से तब तक नहीं होगा ना, कब तक होते रहेगा? कब तक ऐसा होते रहेगा कि बस सब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, दिल्ली में जाके जगह पे प्रोटेस्ट सिर्फ कर दिए और आप भी बोल दिए कि गलत हो रहा है करके, अगले बार से हम देखते हैं। जब क्राइम हो चुका रहेगा, मैं बोल रहा हूँ कि डेली जब 100 जब रेप के केसेस हो रहे तो डेली तो हो रहे हैं ना, इसका मतलब लोग डर नहीं रहे। जिस जगह पे लोग डरेंगे नहीं क्राइम रेट बढ़ते जाएगा। तो क्राइम रेट क्या सब जगह को क्रॉस करते करते हर जगह को कवर कर ले तभी लोग एक्शन में आएंगे? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ें, इस पर एक्शन लेना जरूरी है। इस पे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको क्लियर हो गया कि ये क्राइम किया है तो उस पर तुरंत एक्शन लो, 24 आवर्स के अंदर में उसको टांग दो एकदम। ऐसा जब तक नहीं होगा ना तब तक चीज़ें चेंज नहीं होगी। मैं जया बच्चन जी का देख रहा था, तो जो बोल रही थी उसमें बोल रही थी कि ऐसे क्रिमिनल लोगों को तो पब्लिक के हाथ में दे देना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे लोगों को तो बिल्कुल छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब आप सोचिए ना, वो मतलब कसाब को देखिए, कसाब जिसका सीसीटीवी फुटेज पे पूरा का पूरा दिख रहा था कि लोगों को मार रहा है, जो कि एक्सेप्ट कर लिया था, उसके बाद भी उसका केस कब तक चला बताओ? उसके लिए एक एडवोकेट असाइन किया गया, इंडियन एडवोकेट असाइन किया गया। क्यों? हमारा संविधान ये बोलता है। तो बाकी तो संविधान में बहुत सारा रूल चेंज करते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिसके फायदे का काम है वहाँ तो रूल चेंज करते जाते हो, तो ये चेंज क्यों नहीं होगा? ये चीज़ क्यों नहीं होगा? जब संविधान बना था तब थोड़ी सोचे थे कि इस टाइप के केसेस होंगे। ये संविधान इसलिए थोड़ी बनाया गया था कि मतलब इस टाइप के केसेस चलते रहे। तो अभी सबको पता चल चुका है कि केसेस ना लंबे दौर तक चलते रहते हैं। तो एक व्यक्ति अगर केस करता है तो भी डरता नहीं, उसको पता है लोग कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। कुछ समय के बाद अभी कई लोगों को लगता है कि जो 18 के एज के आसपास रहते हैं वो लोग भी क्राइम करते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि हमारी एज ना 18 के आसपास नहीं हुई है, 17 हुई है, 16 हुई है, तो क्राइम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, रूल चेंज करने की ज़रूरत है। सबको डर इस बारे में होना चाहिए, कोई किसी को ऐसा ना कर सके। हमको गर्ल्स लोगों में भी अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाना चाहिए कि चीज़ें कैसी हो। पुलिस में भी बताना चाहिए कि अगर किसी का कॉल आ रहा है, किसी को कोई छेड़ रहा है, तो ये स्टार्टिंग ना छोटे पॉइंट से होती है, उसके बाद ये बिग फॉर्म लेती है, तो उस पर एक्शन होना जरूरी है। पॉलिटिशियन का कोई अगर फैमिली से कोई बिलोंग करता है तो वो क्राइम कर सकता है, इसकी इजाज़त गवर्नमेंट, इसकी इजाज़त संविधान तो नहीं देता मेरे अंदाज से। तो मेरे को लगता है कि कई बार बड़े लोग इसलिए भी क्राइम कर लेते हैं, उनको लगता है कि चीज़ें हो जाएगी, आराम से मैनेज हो जाएगी, बाद में डरा देंगे, इसलिए भी लोग क्राइम कर लेते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे थे जब मैं डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का बनाया था कि पोर्न जो कंटेंट से ऑनलाइन जो कंटेंट है, पोर्न कंटेंट जो है उसको बंद होना चाहिए। तो इस बारे में मेरा ओपिनियन अलग है, मेरे को नहीं लगता है कि पोर्न कंटेंट बंद करने से चीज़ें होगी। बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग भी ये सब क्राइम करते और पोर्न कंटेंट मतलब मेरे को नहीं लगता है कि उसको बंद करने से चीज़ें चेंज होगी, क्योंकि पूरे दुनिया में चल रहा है और लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। पोर्न कंटेंट मतलब क्या है? आप अगर स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करोगे गुड फॉर्म में, लोग डरते, सेक्स बोलने के नाम से ही डरते, सेक्स बोलने का मतलब ही सोचते कि कोई क्राइम हो गया, कोई ये टर्मोलॉजी बोलने से ही इतना घबराता है, कोई घर में ही ऐसी बात नहीं करना चाहता, ऐसा लोग डरते। तो जब तक हम गुड फॉर्म में बात नहीं कर पाएंगे, एक सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पता रहेगा, क्यों इतना ज़्यादा फिर ऑनलाइन में लोग पोर्न वाला देखेंगे? लोग ऐसे छुप छुप के देखते जाते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि उसको बंद करने की नीड है, क्योंकि उसके कारण चीज़ें गलत हो रही है या फैल रही है। जो जिसके माइंड में गलत चीज़ है वो गलत करेगा ही, चाहे वो फिर
देखता हो ऑनलाइन कंटेंट पोर्न या ना देखता हो, जिसके माइंड में गलत चीज़ें करेगा। तो ओवरऑल क्या है कि आप अगर किसी मॉल में जाते हो तो इतने सारे चोर लोग भी तो एंट्री मारते होंगे मॉल में, लेकिन क्या मॉल में चोर लोग जब एंट्री मारते तो चोरी करने का प्लान करते कि नहीं, क्यों? उनको पता है इतने सारे कैमरे लगे, पकड़ा जाएंगे। तो जहाँ पर भी ना डर होगा ना, वहाँ पर लोग नहीं करेंगे, लोग वही करते, लोग उसी घर में चोरी करते जिस घर में कोई नहीं होता है या जिनको पता रहता है कि इस घर में चोरी की जा सकती है। तो हमारे देश में भी क्राइम इसलिए बढ़ते जा रहा है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम ही खराब है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस की नीड है। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को बैठ के इस बारे में बात करना चाहिए। हर बार केस होते रहेगा, लोग बोलते रहेंगे, उसके बाद चीजें कब चेंज होगी? तो मेरे को लगता है कि हमारा पुलिस जो वाला जो सिस्टम है वो इंप्रूव होना चाहिए, हमारा ओवरऑल जो सिस्टम है नीचे से लेकर ऊपर तक उसमें इंप्रूवमेंट की नीड है, हमारा जो लॉ वाला जो सिस्टम है पूरा का पूरा, जो पूरा एक कितने दिनों तक केसेस को खींचते वो हमारा ठीक होना चाहिए। हम लोगों को सोच, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हम सोचते हैं उसमें चेंज होने की नीड है। अभी भी कोई अगर इस बारे में बात करता है तो लोग सोचते हैं कि इस बारे में बात करने से इसको क्या फ़ायदा है। जैसे कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इसलिए बना रहे होंगे TRP बढ़ेगी, TRP बढ़ेगी तो लोग देखेंगे। तो ऐसे लो थिंकिंग लोग भी होते हैं जो बहुत डाउन तक सोचते हैं, वो खुद तो कुछ नहीं करते लेकिन कोई दूसरा करता है, उसको भी करने के लिए इस टाइप की बातें करते। तो अगर सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो क्या होगा? मेरे को तो लगता है सेलिब्रिटी, क्रिकेटर लोग, ये सब लोगों को ना थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, सब लोगों को बात करना चाहिए इस बारे में। अगर पूरे सेलिब्रिटी लोग मिल के ना एक साथ बात करेंगे, एक साथ पूरे मीडिया मिल जाएगी, पूरे क्रिकेटर्स, जितने भी स्पोर्ट्स के लोग टॉप लेवल पे जिनकी बातों को पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, अगर वो लोग अपनी बात रखेंगे ना तो गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा पूरे सिस्टम में जो चेंज की नीड है। सबको पता है कि क्या गलत है, सबको पता है, हर सेलिब्रिटी को पता है, हर क्रिकेटर को पता है, हर पॉलिटिशियन को पता है कि सिस्टम में खामी कहां पे, कोई चेंज क्यों नहीं करना चाहता? पुलिस वाले को भी पता, उनसे पूछो, उनसे आप इंटरव्यू लो, तुमको खुद पता है कि हमारे सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है करके, चेंज की नीड है, सबको पता है, लेकिन चेंज कौन करेगा? तो मेरे को लगता है कि अब चेंज की नीड है। तो जब तक ये चेंज नहीं होगा, हमारी सोसाइटी इस वे में नहीं चल सकती, और ये एक अच्छा साइन नहीं है, ये गुड मैसेज नहीं है सोसाइटी के लिए। ये डे बाय डे जो एकदम सोसाइटी जो डाउन होते जा रही है, जिनकी मेंटेलिटी जिनकी डाउन होते जा रही है, ये ऐसी ऐसे 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 जगह पे कौन रहेगा? आपको पता है इंडिया से बाहर बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो वापस नहीं आते, कई बार बोलते हैं वहाँ पे लोग वैसे है, वहाँ पर सिस्टम अच्छा नहीं है, वहाँ का पुलिस सिस्टम अच्छा नहीं है, तो कई बार लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं। तो क्या सभी लोग देश से बाहर जाएंगे? हम अपना सिस्टम ऐसा बनाए ना, क्यों बाहर का व्यक्ति हम पे हंसे, क्यों इंडिया से बाहर का व्यक्ति हम पे हंसे कि हमारे इंडिया का सिस्टम ऐसा है जिसमें कि 40,000 लोगों का जो रेप होता है उसमें से सिर्फ 10,000 लोगों को सजा मिलती है, 30,000 लोग छूट जाते, 25% लोग सिर्फ सजा पाते, 75% लोग छूट जाते। तो बाहर के लोग तो हंसते होंगे ना हम पे, क्यों नहीं हंसेंगे? बस ये लोग सोचते होंगे कि पॉलिटिशियन मस्त मस्त बात करते हैं, जब चुनाव की बारी आती है बड़े बड़े वादे करते हैं, और हम लोग भी तो खुद रिस्पॉन्सिबल है ना, हम लोग उनको ऐसा बनने का मौका दिए, हम उनको भी पता ना कि ये लोग को सिर्फ बनाना है, कुछ दिन तक बनाना है, एक इशू से दूसरे इशू में घुमाना है। ये लोग वैसे भी, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये लोग वैसे भी इतने सेंसिटिव लोग उस वे में नहीं है, इंटेलेक्चुअल लोग है नहीं, तो वो लोग भी समझते हैं कि हम लोग उस वे में नहीं, क्योंकि हम अपनी बातों को नहीं रखना चाहते। हर व्यक्ति अपने घर में रहना चाहता है, हर व्यक्ति अपने अपने काम में काम से काम में रखना चाहता है। लोग बोलते हैं ना कि अपने काम से काम रखो, बाकी बातों में ध्यान मत दो, तो सब लोग अगर अपने काम से काम रखेंगे तो चीजें होते रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। तो ये आपकी चॉइस है, जब तक सब लोग अपनी बातों को नहीं रखेंगे, अरे पूरा फेसबुक का वॉल भर जाना चाहिए, अपने पॉइंट्स रखना चाहिए। बाकी समय में तो यार खराब कुछ भी चीजें नहीं रहती, जो कि नॉनसेंस टाइप की चीजें रहती है, वहां तो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो सोशल मीडिया में। इतने सारे अभी पिक पे किसी के कमेंट्स कर रहे होंगे, पिक पे लाइक कर रहे होंगे, जो मेन इशू है इस पे तो बात करना चाहिए सभी लोगों को, इसमें शेयर नहीं करेंगे। सब लोग बस ये देखते हैं कि हम गुड है, हमारी पोजीशन गुड है, हम अच्छी जगह पे हैं, फिर हमको कोई मतलब नहीं कि किसी के साथ गलत हो रहा है कि नहीं, ठीक है तो फिर होने दो, गलत होते रहेगा, आने दो फिर, जब तक कि हमारी बारी नहीं आती। जब फ्लो बढ़ता है ना, जब नदी का, तो जब तक ना आप कॉर्नर किनारे पे जब खड़े रहते हो ना, तो वो एक ना एक दिन आप तक पहुंच जाएगा। तो जब तक आप ना उस बारे में नहीं सोचोगे कि कैसे अपने आप को सेव करना है, तो चीज़ें कोई सेव नहीं करेगा। तो मेरे को लगता है कि हमको प्रोटेस्ट खुद करना पड़ेगा, अपने बारे में, फैमिली के बारे में, और ऐसे फैमिली पर्सन, मेरे को बिल्कुल टेंशन होना चाहिए, सभी को टेंशन होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि जब तक हमारे साथ नहीं होगा तब तक हम टेंशन नहीं लेंगे, सभी को होना चाहिए। तो ठीक है, मेरा बस आज का यही पॉइंट था कि मेरे को लगा कि इस बारे में बात होना चाहिए, क्योंकि कोई सब लोग अपने पॉइंट्स रख रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो एटलीस्ट हम यंग लोग तो थोड़ा सा बाहर निकले, एटलीस्ट हम यंग लोग तो अपनी बातों को रखें। तो मेरे को लगता है कि हम अपनी बातों को रखना चाहिए, अपना जो ओपिनियन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
अपना ओपिनियन बिल्कुल फ्रीडम के साथ रखा जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट क्या सोचती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोचता है। अपना ओपिनियन बहुत गुड लेवल पे होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम गवर्नमेंट को अपोज करें, गलत हो रहा तो अपोज करेंगे। इसमें क्या है, इसमें हम बोलते कि बहुत अच्छा हो रहा है करके, गवर्नमेंट बहुत अच्छी स्कीम ला रही है, बहुत अच्छा हो रहा है करके, रेप के केसेस कम हो जा रहे हैं करके, गवर्नमेंट की फाइल्स हटा दो, सब कुछ हटा दो, बोल दो कि बहुत कुछ नहीं हो रहा, देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। जब गलत हो रहा है तो सबको अपनी आवाज उठाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, तो आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन सब वीडियो को शेयर कीजिए, हर जगह अपनी बातों को पहुँचाइए, वॉल पर लिखिए, जितना हो सकता है कीजिए।